Yes, परिवार के लोग बॉम्बे के सीएफआई का टीम संजोक मुंबई दहीसर से सबने ज्वाइन किया थैंक यू इट्स एंड प्रिविलेज कि आप लोग सब हमारे साथ हैं आज एंड वी आर एबल टू डूंट शबात इस तरीके से <laughs> um, हम लोग एक्चुअली एक सीरीज में चल रहे हैं इन द बुक ऑफ की किताब में और uh, जो लोग पहले बार आज सुन रहे हैं टीचिंग uh, कुछ चीजें थोड़ा फास्ट होगा आपके लिए बट नो प्रॉब्लम जस्ट फॉर द सेक ऑफ सबको रिवाइज करने के लिए लेविटिकस की किताब में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने चार कैटेगरीज इंट्रोड्यूस किया था और वो है हम लोग कहेंगे अनक्लीन क्लीन कॉमन और होली ये चार कैटेगरीज है अनक्लीन मतलब अशुद्ध क्लीन शुद्ध कॉमन मतलब अनहोली जो कहेंगे और होली जो हिब्रू में कहेंगे खदोश ये रिचुअल अनक्लीननेस के बारे में है लेकिन कई कई बार हम लोग देखते हैं कि इसका फिजिकल और रिचुअल अनकलीननेस है अशुद्धता है लेकिन कई चीजों में हम लोग देखते हैं कि इसकी आत्मिक इंटरप्रिटेशन भी है नॉट ऑलवेज लेकिन कोई कोई चीजों में डेफिनेटली हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने जो कैटेगरीज बनाया उसमें से दो एक्सट्रीम्स है एक एक्सट्रीम है जो अशुद्ध है और दूसरा एक्सट्रीम है जो कादोष है. तो परमेश्वर चाहते हैं कि अशुद्ध से हमें सबको याद दिलाने के लिए कदोष का जो मतलब है वो है परमेश्वर के लिए अलग किया जाना परमेश्वर के उपयोग या परमेश्वर के काम के लिए और ये किताब में हम लोग बार बार देखते हैं कि ये मेन जो 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 थीम जो मैसेज है कि परमेश्वर हमें बनाना चाहते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके राज्य के काम के लिए परमेश्वर ने पूरे इज़राइल को कदोष बनाया क्योंकि परमेश्वर ने इज़राइल को कहा कि तू मेरा सेवक है तू मेरा तू मेरे लोग हैं और तुम्हारे द्वारा मैं लोगों को दुनिया भर के लोगों को अपने नियम के बारे में और अपने थोड़ा मेरे सिस्टम मेरा जो रहन सहन का जो सिस्टम है उसके बारे में मैं सिखाऊंगा और परमेश्वर हमें जो अलग अलग जाति और अलग अलग देशों के लोग जो हम लोग परमेश्वर के पास आए हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमें भी सेम मैसेज देते हैं पहला पित्र दो और उसके नवा अध्याय में परमेश्वर ने कहा कि तू जो है एक रॉयल है तुम एक याजक के लोग हो तुम एक चुने हुए लोग हो, लोग हो तो परमेश्वर ने जो इसराइल को जो, जो, जो बुलाहट किया था वो बुलाहट आप लोग हम लोग हम लोग सबकी जिंदगी में सेम बुलावट है और एक चीज हम लोग देखते हैं कि लेविटिकस की किताब में कि एक ही तरीका है खुश रहने का और वो है परमेश्वर के लिए कदोष बनना जब इसराइल के लोग कदोष के, के विरुद्ध मतलब अलग काम उन लोग ने किया हमेशा दुख आया उनके जिंदगी में और हम लोग देखेंगे के और बार बार देखते हैं कि एक ही तरीका है खुश होने का और वो है परमेश्वर के लिए कदोष रहना परमेश्वर का काम करना परमेश्वर के हुक्म के अनुसार चलना क्योंकि उसी में खुशी है उसी में भरपूरी है उसी में सब कुछ है आपके लिए और मेरे लिए लास्ट वीक पिछले हफ्ते में हम लोग ने देखा था कि सैक्रिफाइस सिस्टम के बारे में जो हिब्रू में वो के शब्द है कुर्बान और कुर्बान का मतलब है नजदीक आना परमेश्वर के पास नजदीक आना तो हम लोग ने देखा था कि वो एक्चुअली हम लोग जो बोलते हैं बलिदान सिस्टम वो एक्चुअली इतना बलिदान नहीं था लेकिन परमेश्वर के पास आना का एक एक रास्ता था इसराइल के लोगों के लिए पांच बलिदान में से तीन वॉलंट्री थे मतलब परमेश्वर ने हुक्म नहीं दिया था तीन के बारे में परमेश्वर ने हुक्म दिया था दो बलिदान के बारे में जो हम लोग ने देखा परमेश्वर प्रभु यशुम से पूर्ण कर दिया था क्रूस पे तो ही वो बन गए पाप के बलिदान आज हम लोग देखेंगे दो चीज के बारे में जो परमेश्वर ने फिजिकल इंस्ट्रक्शंस इज़राइल को दिया और हमें दिया लेकिन उसका जो आत्मिक मीनिंग भी है आ, हम लोग देखेंगे उसके बारे में वो है फूड लॉज खाने के के, के लॉज के बारे में और जो स्किन का, का जो डिजीज जो परमेश्वर बताते हैं लेवी की किताब में तेरह चौदह पंद्रह अध्याय में उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे तो स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट करने के पहले मैं एक फनी इंसिडेंट आपको बताना चाहता हूँ एक जो मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था करीब बारह तेरह साल पहले जो मेरे साथ नौकरी कर रहा था एम्फोसिस कंपनी में उसका नाम था आशीष अयर और वो बता रहा था मुझे उसने बोला राहुल एक यू नो you know, मुझे आपको बताना था कि एक बार मैं वियतनाम गया तो तो आ, के पहले वो बाकलेस बैंक के लिए वो नौकरी कर रहा था और बाकलेस बैंक ने उसको वियतनाम भेजा था क्योंकि एक नया ट्रांजिशन उसको करना था इंडिया में काम लेके आना था तो दो महीने के लिए आ, उनको वियतनाम भेजा गया और वो और उसके दोस्त दो लोग थे और उसने मुझे बताया कि पहले दिन हम लोग जब लैंड किए हनॉय में वियतनाम में वो बोला कि वी वेंट आउट फॉर डिनर हम लोग गए बाहर डिनर खाने के लिए और हम लोग एक होटल में गए और चिकन ऑर्डर किया तो हम लोग बैठे थे होटल में चिकन खा रहे थे और हम लोग ने देखा बाजू के टेबल में बाजू के टेबल के लोग क्योंकि हम लोग का आदत रहता ना कि बाजू वाला क्या खा रहा है तो उसने भी देखा कि बाजू के लोग क्या खा रहे थे तो और उसने नोटिस किया कि बाजू वाले के प्लेट में एक बड़ा सा छिपकली है और उसने कांटा और अ अ नाइफ छुरी को लिया और काट रहा था वो उसको और लेके खा रहा था चू छिपकली को लिजर्ड और उसके साथ और एक पार्टनर था उसके पास कॉकरोचेस थे और उसने कॉकरोच को डुबाया कोई इस लिक्विड में और लेके खा रहा था मेरा मेरा दोस्त मेरा दोस्त लिक्विड चॉकलेट जैसा आशीष बोला मैं खा रहा है के और फिर वो बोले कि वो रस्ते पे गए अभी हनौ वियतनाम में चौड़े रस्ते नहीं है नजदीक के छोटे रस्ते जैसे पुणे के पेट एरियाज में और वो बोला कि हम लोग जा रहे थे दुकान में और बोला मेरे सिर एक टक टकरा गया एक बॉटल में तो मैंने देखा मेरा सिर किस पे टकरा रहा है और बोला उसमें में विनेगर है और विनेगर के अंदर स्कॉर्पियन है वहां पे हाँ बिच्छू बिच्छू बोला मैं और भी अच्छा एकदम शौक हो गया और बोले कि पूरे दुकान में अलग अलग बॉटल्स थे जिसमें विनेगर है एक में बिच्छू है एक में आ, एक में क्या है लिजर्ड है दूसरे में बड़े बड़े कॉकरोचेस हैं और अलग अलग रेप्टाइल्स थे वहां पे और बोले कि लोग वहां पे आ रहे हैं और खरीद रहे हैं लिजर्ड खरीद रहे हैं कॉकरोचेस खरीद रहे हैं बिच्छू खरीद रहे हैं क्योंकि बोले कि हनोई में वियतनाम में वो लोग खाते हैं ये सब चीजें सुन के मैं शौक हो गया तो मेरा दोस्त बोला हम हम लोग इतना हम लोग ने उल्टी किया वहां वहां पे वो बोला Um, मैं, हम लोग ने उल्टी किया वहां पे हम लोग जल्दी से गए होटल में और उसने बोला मुझे राहुल हम लोग ने दो महीने वहां पे खाना नहीं खाया हम लोग ने सिर्फ फ्रूट्स हम लोग क्योंकि हाँ और एक चीज उसने बताया कि बोला कि हम लोग ने चीज खरीदा चीज ओके okay, पनीर का जो चीज है वहां पे और चीज में देखा कि चीज के अंदर वर्म्स है वर्म्स क्या है वर्म्स ये? कीड़ा और बोले क्या तो हम लोग ने होटल वाले को पूछा कि ये कैसा चीज है तो बोला क्या सर दिस इज स्पेशल चीज हनोई का चीज है ये विथ वर्म्स और मुझे मैं सुन रहा था वो शॉक मुझे याद आया कि इन इंडिया आल्सो वी हैव अ कम्युनिटी जो नॉर्थ ईस्ट में है जो लोग डॉग खाते हैं दे द डॉग यू <laughs> नो you know, आप लोग हंस रहे होंगे या कैसे लगता होगा आपको लेकिन ये रियल लाइफ का कहानी है दिस इज हैपनिंग इन रियल लाइफ एंड मैं मुझे आपको बताना है कि ये सब चीज को हम लोग बाइबल के साथ कैसे रिलेट करेंगे क्योंकि लेविटिकस 11 में लेवी 11 में हम लोग देखते हैं कि एक पूरे चैप्टर में परमेश्वर ने अपने खाने के सिस्टम के बारे में बताया है यहां पे और ये जो एक्चुअली जो है जो है खाने के बारे में ये एक्चुअली बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या ये सब एप्लीकेबल है क्या आज के दिन में हम लोग के लिए हम लोग जो नए कवर्ट के लोग हैं ये क्या एप्लीकेबल है हम लोग के लिए और मुझे याद दिलाना आपको कि मलाकी में मलाकी तीन और तीसरा अध्याय और छठा जो वचन में परमेश्वर कहते हैं मैं अदुनाय हूं और मैं बदलता नहीं हूं इसलिए तुम लोग खत्म या नाश नहीं होते हो I I am the Lord and I change not. लॉर्ड एन आई चेंज नॉट दैट इज वाई यू जेक परमेश्वर वही परमेश्वर है जिन्होंने मनुष्य वो वो बदल गया स्टाइल्स चेंज हो गए हैं कल्चर चेंज हुआ है लेकिन हमारा परमेश्वर अभी तक चेंज नहीं हुए हैं और कभी चेंज नहीं होने वाले हैं येस्टे टुडे एंड फॉर एवर सेम है Amen. Amen. और सोचते हैं कि परमेश्वर ने इतना बड़ा चैप्टर क्यों अपने खाने की पीने के बारे में लिखा है अच्छा पीटर ने एक विजन देखा था दर्शन देखा था ना जिसमें एक चादर था और अलग अलग चीजें थे और परमेश्वर ने बताया उसको खा लो तो हम लोग को अभी अलाउड है खाना ये ये एक प्रश्न है लोगों का पॉल ने क्या किया अच्छा यीशु मसीह ने भी कहा था कि सब कुछ ठीक है सब कुछ साफ है खाना सब कुछ खाना ठीक है तो हम लोग ये सब चीजें हम लोग देखेंगे जल्दी से आज का मैसेज ज़्यादा लंबा नहीं होगा बट तो मैं स्टार्ट करूंगा पॉल के साथ ओके okay? पॉल ने क्या स्टैंड लिया था ओके okay? अब देखिए प्रेरित के काम में इन एक्स चैप्टर ट्वेंटी एट एंड वर्स 17 प्रेरित का काम 28 और 17 में ये पॉलिस का आम, लास्ट के दो साल के बारे में है तो मतलब इस तब तक उसने सब लेटर्स अपना लिख लिया था और वो अपने लास्ट दो साल में अभी है मरने के पहले और अब यहाँ पे क्या लिखा है कि उनका यहूदी के लीडर्स के साथ उनका मीटिंग हुआ था और पॉलस कह रहा है यहां पे इट सेज इन द बुक ऑफ एक्ट्स एंड इट केम टू पास आफ्टर 3 डेज पॉल कॉल्ड द चीफ ऑफ द ज्यूज टुगेदर यहूदी लोगों के लीडर्स को उन्होंने बुलाया और उन लोग जब साथ में आए तो पॉलस ने कहा मैंने अपनी जाति या अपने पूर्वजों के विधि विधा, विधान विधान के प्रतिकूल कुछ भी नहीं किया है आई हैव कमिटेड नथिंग अगेंस्ट द पीपल और द कस्टम्स Of our fathers. तो जो लोग पॉल के बारे में पूछते हैं है है यहूदी कस्टम्स के विरुद्ध तो जो लोग पूछते हैं कि पॉल ने क्या किया पॉल ने ये कहा सिंपल ये है मरने के पहले पॉल ये कह रहा है ये मेरे जिंदगी का testimony है कि मैंने कुछ भी चीज नहीं किया against the customs of our fathers our fathers मतलब क्या वो, वो यहूदी लोगों को कह रहा है आवर फादर्स मतलब यहूदी का कस्टम्स बाइबल का कस्टम्स बाइबल का सिस्टम बाइबल का कल्चर के बारे में है कोलोसियंस दो इक्कीस और बाईस में पॉल यहाँ पे लिखता है कि देखो खाने पीने के बारे में वो यहाँ पे लिख रहा है और वो वो कहता है कि ये मनुष्य के बनाए हुए कस्टम्स है, जो, जो कहते है ये मत खाओ वो मत खाओ ये वो मनुष्य के कस्टम्स है लेकिन सोचिए किससे बात कर रहा है जो, जो तो यहूदी से बात नहीं कर रहा है सेकेंडली पोलस नहीं कहेगा कि जो परमेश्वर का तोरा है वो मैन मेड कस्टम्स है क्योंकि पॉलस को पता है कि ये परमेश्वर ने दिया तो वो मैन मेड कस्टम्स नहीं है मनुष्य के बनाए हुए कस्टम्स नहीं है ये परमेश्वर की कस्टम्स है तो पॉलिस किसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पे कलोशन में जो इंसानी जो सिस्टम है जो रोमन्स का जो सिस्टम था जो ग्रीक का जो सिस्टम था उसके बारे में पॉलिस कह रहा है कि ये जो खाने पीने का सिस्टम है ग्रीक्स का रोमन्स का यूरोपियंस का वो मैन मेड सिस्टम है उसमें आप मत जाइए आप परमेश्वर के सिस्टम में आइए

राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे ये मेरा फोटो है मैं मैंने मैं खुद गया था वहां पे जाफा में जहाँ पे वही घर में उस घन घर के अंदर भी गया था जहाँ पे पेत्र ने ये ड्रीम uh, देखा था तो ड्रीम में क्या दिखता है कि अलग अलग एक शीट है और अलग अलग एनिमल्स है गंदे एनिमल्स थे और परमेश्वर कहते तुम खाओ अब देखिए आपको पता है एंड वी वी ऑल नो कि ड्रीम्स का एक सिंबॉलिक मीनिंग होता है हमेशा डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता है ड्रीम को इसलिए इंटरप्रेट करना पड़ता है और हम लोग देखते हैं कि पीटर ने खुद उसका इंटरप्रिटेशन उसको पता चल गया दस अध्याय और अट्ठाईस वचन में जब पीटर कहता है बट गॉड शोड मी दैट आई शुड नॉट कॉल एनी मैन कॉमन और अनक्लीन मुझे कोई भी व्यक्ति को अशुद्ध नहीं कहना चाहिए तो मतलब पीटर खुद इंटरप्रेट कर रहा है कि जो सपना उसने देखा वो खाने पीने के बारे में नहीं था लेकिन वो था कि जो नॉन जूश लोग हैं उन लोग को भी परमेश्वर का दोष बना सकते हैं वो परमेश्वर पीटर को दिखा रहे थे क्योंकि उसके बाद पीटर गए कॉर्नीलियस के घर में जो रोमन्स थे और परमेश्वर के पास वो उनको लेके आए और पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म भी उनको मिला उसी तरीके से जैसे यहूदी लोगों को मिला और परमेश्वर ने पीटर को दिखाया कि ये जो ड्रीम था वो खाने की पीने के बारे में नहीं था लेकिन वो विदेशी लोगों के बारे में है जिसके पास परमेश्वर अपना वचन अपना गॉस्पल लेके जा रहे हैं ताकि दुनिया भर के लोग यीशु मसीह के नाम से सेव हो सकते हैं एंड हम लोग के पास एक प्रश्न आता है कि अगेन तो ये क्या है ये सब कोशर जो लोग बोलते हैं पास सनी चंद्रा बोलेंगे कि मैं कोशर खाता हूं तो ये कोशर है क्या एक्चुअली क्या है ये सिस्टम और कोशर का जो मतलब है कोशर खाना वर्ड कोशरू वर्ड इसका मतलब है फिट फॉर मतलब fitness certificate है, जो आप देखेंगे राइट में एक बड़ा सा फ्रेमड सर्टिफिकेट होगा जिसमें लिखा एक छापा रहेगा ऐसा कोशर सर्टिफाइड खाना और आप अगर अरब के दुकान में जाएंगे खाने के लिए तो ऐसा छापा नहीं मिलेगा ओके okay, क्योंकि दे मेंटेन जो सिस्टम है वहां पे उन लोग मेंटेन करते हैं कि कोशर सर्टिफाइड कोशर मतलब उसका फिटनेस है कि इसको हम लोग खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं सिंपल इट्स एज सिंपल एज दैट और फिर और हम लोग देखते हैं कि लेविटिकस 11 में ये सब के बारे में परमेश्वर ने डिटेल में इसके बारे में लिखा है नाउ व्हाई इज इट क्यों इतना बड़ा लंबा लिस्ट जैसे अभी सिस्टर अश्विनी ने पढ़ा कि अगर ऐसा एनिमल है तो उसका हुफ में ऐसा सिस्टम होना चाहिए शुड बी स्प्लिटिंग द हुफ अगर एक मछली है देन द द फिश शुड हैव स्केल्स उसके उसके रहना रहना ऊपर चाहिए नहीं तो आप नहीं खा सकते हो उसको अगर चिड़िया है तो आप ऐसे चिड़िया को खा सकते हो ऐसे चिड़िया को नहीं खा सकते हो क्या है क्या ये सिस्टम एंड परमेश्वर ने क्यों दिया ये सिस्टम वट इज द रीजन एक चीज आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब परमेश्वर ने कोई भी नियम दिया परमेश्वर ने नहीं कहा इसका एक्सप्लेनेशन क्या है गॉड हेज नेवर एक्सप्लेन वाई ही इज गिविंग अ लॉ परमेश्वर एक ही चीज चाहते हैं हमसे हमारा ओबीडियंस कि हम उनके हुकुम का पालन करें परमेश्वर वो चाहते हैं हमसे परमेश्वर ने कभी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया और परमेश्वर को देने का जरूरत भी नहीं है ही डज नॉट अस एन एक्सप्लेनेशन ही वॉन्ट्स ओनली वन थिंग आवर ओबीडियंस एम बहुत रिसेंटली ब्रदर आमोल ने एक नया कार खरीदा लवली मारुति स्विफ्ट ब्यूटिफुल रेड कार हम लोग का फेवरेट कलर मेरा प्रश्न है ब्रदर अमोल से ब्रदर अमोल आप अगर हो तो प्लीज आप अनम्यूट करके जवाब दीजिए yes. उस गाड़ी में आप क्यों नहीं कैरोसिन भर के चलाते हो गाड़ी को क्या रीजन है डाला फिर भी चलेगा वो बट तो इंजन खराब हो जाएगा हां इंजन खराब हो जाएगा वही बात है राइट yes. वही बात है तो नया गाड़ी है हम लोग को गाड़ी का लाइफ मेंटेन करना है तो हम लोग सही फ्यूल उसके अंदर डालेंगे राइट right? ताकि इंजन खराब ना हो जाए एग्जैक्टली exactly. और परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते हैं कि जो जो चीजें परमेश्वर के वचन में लिखा ये सब चीजें को मत खाओ वो साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि वो चीजें हम लोग के हेल्थ के लिए बहुत ही खराब है इट्स वेरी बैड फॉर द बॉडी और हम लोग देखते हैं की किताब में कि हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है फर्स्ट 316 और सेकंड 616 में हम लोग देखते हैं। डोंट यू नो क्या आप जानते नहीं हो कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है एंड द होली स्पिरिट लिव्स इन यू तो अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है तो हमारा एक जिम्मेदारी है कि हम अपने शरीर का रक्षण करें हम लोग शरीर को मेंटेन करें ठीक से क्योंकि वो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा का मंदिर है वो इसलिए हम लोग कैरोसिन अपने गाड़ी में नहीं डालते इसलिए हम लोग गलत खाना अपने अंदर नहीं लेते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन का जो uh, में जो लिखा है जो जो फूड्स अलाउड नहीं है इट बीन प्रूव्ड साइंटिफिकली कि वो एक्चुअली वो पॉइजन है Is a poison to the human body. And we are called to take care of our bodies. Amen. Amen. Leviticus 11. Ismiamluk dhik think which reasons? 11, 11, chapter 40 uh, verse 43 verse 44 or 45. 43 44 45 में परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर कहते हैं सैंक्टिफाई योरसेल्फ मतलब अपने आप को खदोश बनाओ तुम अपने आप को खदोष बनाओ क्योंकि मैं खदोश परमेश्वर हूं अपने आप को ये सब गंदे चीजें खाके तुम अपने आप को गंदा मत करो लेविटिकस इज़ ऑल अबाउट होलीनेस परमेश्वर के कदोष के बारे में और हम लोग कदोष बनने के लिए और परमेश्वर कह रहे हैं तुम अपने खाने पीने से अब तुम कदोष बन सकते हो वर्स ही इसलिए तुम कदोष बनो जैसे मैं कदोष हूं बी होली लाइक आई एम होली मैं जैसे पवित्र हूं तुम ऐसे पवित्र बन जाओ Amen. तो परमेश्वर एक डायरेक्ट को बना रहे हैं हम लोगों खाने पीने से कदोष बनने का अब ये कैसे हो सकता है खाने से कोई कदोष बनता है क्या रिमेंबर कदोष होली मतलब परमेश्वर के लिए अलग उस समय के जो लोग थे उनका जो खाने पीने का जो सिस्टम था बहुत ही गंदा और बेकार था जो अलग देशों के लोग थे कनानाइट्स और परमेश्वर इज़राइल को कह रहा है कि तुम कनानाइट्स के जैसे तुम मन नहीं बनोगे तुम मेरे सिस्टम के अनुसार तुम चलोगे तुम खदोष बन जाओगे इसलिए हम लोग देखते हैं लेविटिक तीन सत्रह में इन चैप्टर थ्री एंड वर्स सेवनटीन परमेश्वर कहते हैं तुम्हें खून नहीं खाना है यू विल नॉट ईट ब्लड क्यों क्योंकि जिंदगी खून के अंदर है वहां के लोग कनान के लोग एक्चुअली उन लोग लहु पीते थे They used to drink blood. मेरा प्रश्न है क्या यस दंसर इज यस होता है, क्या? Yes, the answer is yes, होता है. Yes. हमारे देश में होता है yes. हमारे देश yes. में होता है यस yes, होता है विदाउट कॉजिंग ऑफेंस एक डिश है उसका नाम है सौर पतेल <laughs> और उसमें उन लोग लहू डालते हैं, yes, और मैंने पूछा, एक, It's a, and, and me, मैंने पूछा, पूछा मेरा एक, एक उसको कि आप लोग actually ये करते क्या? Says, yes, Rahul. We, एक समय perfect समय आता है जिसमें हम लोग डालते हैं पोर करते हैं तो फिर उसको वो गाढ़ापन बन जाता है एंड इट बिकम्स वेरी टेस्टी तो देखिए Uh, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दिस इज दिस इज रियल दिस इज हैपनिंग टुडे परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें ये नहीं करना है अब आप पूछो कि नए नियम में कहां है नए नियम में भी है एक्स चैप्टर 15 प्रेरितों के काम में 15 अध्याय में यू विल सी दैट जेम्स जो है हु वाज हेड ऑफ द चर्च इन जेरुसलम उन्होंने कहा जेंटाइल्स जो आ रहे हैं दूसरे अन्य जाति के लोग जो आ रहे परमेश्वर में उनको एक क्लियरली एक इंस्ट्रक्शन दीजिए तुम्हें खून नहीं खाना है इसलिए आज भी द सिस्टम इज के एंश्योर के ब्लड ड्रेन आउट होता है जब हम लोग मीट खरीदते हैं बोले ये क्या प्रीच कर रहे हैं आप बट दिस इज प्रैक्टिकल परमेश्वर कहते हैं इससे बाय डूइंग दिस यू शो द वर्ल्ड दैट यू आर होली यू आर डिफरेंट पीपल तुम अलग किए गए हो मेरे काम के लिए तुम सैंक्टिफाइड लोग हो आओ ईटिंग सेपरेट और मुझे एक एंगल आपको आज बताना है इसके बारे में इसके बारे में एक एंगल हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर के ओबीडियंस अगर हमें समझ समझ में आए या नहीं आए परमेश्वर ने एक हुक्म दिया मुझे करना है दैट्स इट। परमेश्वर ने कहा तो मुझे करना है मुझे ठीक लगे नहीं लगे मेरे लॉजिक में बैठता है कि नहीं मेरे ऑफिस के लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं मेरी सोसाइटी के लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं आई डोंट केयर परमेश्वर के वचन में लिखा है मैं उबे करूंगा. ये हैं हमसे परमेश्वर क्या आप सोच सकते हैं हो सकता है ये खाने से ये खाने के इंस्ट्रक्शन से परमेश्वर हमारे ओबीडियंस टेस्ट कर रहे हैं बाइबल ऑल्सो से फैट नहीं खाना है और फैट तो सबसे टेस्टी चीज है राइट right? जब हम लोग मटन पकाते हैं अगर फैट नहीं है तो टेस्ट कहाँ आएगा परमेश्वर कह रहे हैं सबसे टेस्टी चीज को हटाओ आई टू ओबेउ क्वेश्चन बिना प्रश्न पूछ के क्योंकि उसमें देखिए डैडी ने कहा कुछ करने हैं अब मैं जाके पूछ रहा हूं उनको क्यों करना है क्या आपका दिमाग ठीक है कि कुछ गड़बड़ हुआ है अगर मैं विश्वास कर रहा हूं उनपे तो मैं कहूंगा आपने कहा करने के लिए आई विल ओबे यू फिनिश्ड हमारे पिता ने कुछ कहा करने के लिए प्रश्न क्यों पूछना है We just call to obey. और आप सोचिए जो पहला पाप हुआ वो एक्चुअली खाने के पीछे हुआ फूड कॉज द फर्स्ट सिन आदम और हवा का जो था यस इट वॉज कनेक्टेड टू ओबीडियंस इट वॉज कनेक्टेड टू फेथ क्योंकि अगर विश्वास है तो हम लोग ओबे करेंगे और जहां पे ओबीडियंस नहीं है वहां पे विश्वास भी नहीं है इट्स कनेक्टेडी में मत से कि जो परमेश्वर के जो खाने का जो लॉज है वो एक्चुअली विश्वास से कनेक्ट होता है इवेंचुअली

Amen. खाने के बारे में परमेश्वर कहते हैं ड्यूटरोनॉमी 8:10 में जब आपने खत्म किया खाना तब आप मुझे धन्यवाद दो यू नो दिस वर्स गाइड्स अस जो यहूदी सिस्टम है कि खाने के बाद प्रेयर करना वी प्रे बिफोर द फूड राइट वी थैंक गॉड वी प्रेज गॉड वी से गॉड ब्लेस दिस फूड इन जीसस नेम और बाइबल में लिखा है कि जब तुमने खाना खा लिया और तुम सेटिस्फाई हो गए हो संतुष्ट हो गए तब तुम यह को याद रखो और उन्हें धन्यवाद दो और उसकी प्रशंसा करो हाउ प्रे आफ्टर ईटिंग कि थैंक यू लॉर्ड आपने मुझे खाना दिया हम लोग सब खा खाने के पहले करते हैं बट द बाइबल टेल्स अस आफ्टर ईटिंग तो खाने के पहले और खाने के बाद दोनों चीज करना चाहिए बिकॉज गॉड हैज गिवन इंपॉर्टेंस टू हाउ वी ईट और हम लोग का एटीट्यूड कैसा है खाने के साथ इंपॉर्टेंट बहुत important है इसमें खाने में क्या चीज़ है? है इसका जो conclusion है, वो क्या है और वो मैं बताना चाहता हूं आपको लेवी ग्यारह उन्नीस से और ये क्लाइमैक्स है इसमें यहां पे लिखा है यू शैल नॉट ईट द

स्टार्ट हुआ दिस इज वेयर कोरोना वायरस स्टार्टेड। आज मेरा दिल बहुत हैवी था दिन भर वेरी हैवी लोग जिनको लो, जिन हम लोग जान रहे हैं उन लोग मर रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से पास्टर्स बिलीवर्स चिल्ड्रन ऑफ गॉड कोई कोई लोग हैं जिनने कभी परमेश्वर को जाना नहीं विदाउट एन ऑपरचुनिटी टू हियर द दॉपिल उन लोग मर रहे हैं बिकॉज ऑफ करोना वायरस इट्स हार्ट ब्रेकिंग और रिसर्च ग्लोबल रिसर्च ने कहा कि चाइना के वुहान मार्केट में जहां पे बैट्स के वजह से करोना वायरस इज इन दिस वर्ल्ड अगर वो रिसर्च सही है तो हम लोग एक चीज कह सकते हैं कि हम लोग इतने दूर चले गए हैं परमेश्वर के नियम से कि देखो क्या आपत्ति आ गया है हम लोग के ऊपर हम लोग सोचेंगे क्या खाना वाना के बारे में बात कर रहे हैं बट पर देखिए परमेश्वर का फूड लॉज तोड़ के ये आपत्ति अगर आ गया है दुनिया में इफ दैट इज ट्रू अगर वो रिसर्च और वो कंक्लूजन ट्रू है तो सोचिए अगर हम लोग ने परमेश्वर का तोरा उनके सिस्टम को हम लोग ने एक्चुअली पाला होता इफ द चर्च है वर्ल्ड टू कीप द सिस्टम्स ऑफ गॉड हम लोग यहाँ पे नहीं होते थे इतना इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए हम लोग ने आज आधे घंटा इस सब्जेक्ट पे बिताया बिकॉज दिस शोज द हार्ट ऑफ मैन कि हम लोग कितने दूर चले गए हैं परमेश्वर का कल्चर परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार से कि ये चीजें आ रहे हम लोग के ऊपर और अगर अभी भी हम लोगों हम लो के अंदर एक बदलाव नहीं आएगा हम लोग मतलब जो ये ग्रुप पे नहीं आई मीन जनरली हमारा कम्युनिटी और हमारा कर्तव्य है कि लोगों को बताना लोग हंसे या ना हंसे इट्स ओके गॉड शुड बी हैप्पी विथ मी टाइम टू स्टॉप ब्रेकिंग आना परमेश्वर के वचन के अनुसार एक प्रश्न है कि यीशु मसीह ने क्या किया उनने सब खाना अलाउड किया राइट मार्क चैप्टर सेवन में मैं आपको दो मिनट में बताना चाहता हूं मार्क चैप्टर सेवन का जो कॉन्टेक्स्ट के बारे में आप अगर खोलेंगे मेरे साथ स्क्रीन पे नहीं है आप खोलेंगे मेरे साथ तो मैथ मा, मार्क चैप्टर सेवन में शुरुआत में यहाँ पे यहां पे लिखा है कि कि लोग ने यीशु मसीह को पूछा क्या तुम्हारे जो शिष्य हैं वो क्यों नहीं अपने हाथ धोते हैं खाने के पहले और उन लोग गंदे हो जाते हैं उसकी वजह से मार्क चैप्टर सेवन एंड वर्स थ्री टू एंड वर्स थ्री और उसके जवाब में यीशु मसीह ने कहा कि सुनो जो चीज तुम्हारे अंदर चला जाता है उससे कोई आदमी गंदा नहीं होता है लेकिन जो तुम्हारे दिल से बाहर निकलता है उससे गंदगी आती है क्योंकि दिल के बाहर दिल से गॉसिप स्लैंडर गंदी बातें अब्यूज एंगर वो सब निकलता है तो यहां पे खाने के बारे में तो बात हो ही नहीं रहा है किसके विषय में बात हो रहा है हाथ धोने के विषय में फरसियो ने कहा क्योंकि फैरसी का ट्रेडिशन था कि अगर तुमने हाथ नहीं धोया तो तुम खाना नहीं खा सकते क्योंकि तुम्हारा हाथ गंदा है और गंदगी तुम्हारे अंदर चला जाएगा और यशु मसीह कह रहे कि एक्चुअली उन्होंने स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन दिया कि गंदगी क्या होता है वो हमारे दिल से निकलता है तो यहाँ पे खाने के बारे में नहीं लिखा है लोग कहते हैं कि ये वचन से हम लोग पोक खा सकते हैं अब सोचिए एक यहूदी दूसरे यहूदी से के साथ बात कर रहे हैं फेरे के साथ पक्का उनके टेबल पे पोक तो नहीं था फ़ॉर sure. तो खाने का विषय था ही नहीं है हाथ का विषय था ये हाथ धोने का विषय था ये इसलिए कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्ट समझना जो आजू बाजू में क्या हो क्या रहा है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम लोग स्क्रिप्चर को इंटरप्रेट करते हैं He was not talking about food, he was talking about hand washing. And that's why he said that whether you wash your hands or not, it's, it does not make your heart dirty. Your heart is dirty because of wrong thoughts and wrong desires. Correctly understanding the word. So, I'm ending my portion on the food over here. For one thing to say, that whatever decision we take, फ्री एंड टेक बट कंसिडर दिस की अगर परमेश्वर ने कहा कुछ करना है वी ओबे गॉड्स वर्ड अगर हमें समझ में आया या नहीं आया हम लोग ओबे करेंगे क्योंकि परमेश्वर हमारा ओबीडियंस चाहता है जैसे सैम्यूअल ने सॉल को कहा ओबीडियंस इज बेटर देन सेक्रीफाइस पार्ट टू स्टडी जो बहुत शॉर्ट होने वाला है और वो है खत्म करने वाले इसको दे, इसको लेके तो इसमें हम लोग देखते हैं कि लेप्रेसी लॉज जो हम लोग देखते हैं फ्रॉम चैप्टर 13, 14 एंड 15 तीन चैप्टर्स जो परमेश्वर ने डेडिकेट किया laws के बारे में है कोड़ी, कोड़ी. कोड़ी के बारे में जो हम लोग लेप्रेसी बोलते हैं इंग्लिश में इट्स एक्चुअली वेरी मॉडर्न डिजीज जो साइंटिफिक टर्म्स में उसको कहेंगे like uh, लेकिन बाइबल के जमाने में लेप्रेसी करके वो अंडरस्टैंडिंग नहीं था उसको कहते हैं हिब्रू में जरात जरात ओके okay? जो स्किन डिजीज हम लोग देखते हैं उसको कहते हैं जरात अब दो इंटरेस्टिंग चीज हम लोग देखते जो हाँ, आज हम लोग ने पढ़ा भी लेविटिकस तेरा में कि नंबर अगर किसी व्यक्ति को उसके सिर पे उसके हाथ पे शरीर के कोई भी हिस्से पे ये बॉयल आया या शरीर का भाग सफेद हो गया या येलो हो गया या कुछ अजीब हो रहा था वहां पे तो उनको क्या करना पड़ता था उनको याजक के पास जाना पड़ता था और याजक उनको एग्जामिन करेंगे और याजक उनको बताएंगे कि तुम्हें जरा हुआ कि नहीं हुआ देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है कि उन लोग डॉक्टर के पास नहीं जा रहे थे लेकिन उन लोग याजक के पास जा रहे थे आज अगर हम लोग खांसी हुआ तो हम लोग अपने के पास तो नहीं जाएंगे फॉर श्योर गो टू योर डॉक्टर सिंपल तो वहां पे उस समय में तो उन लोग याजक के पास क्यों जा रहे थे क्यों नहीं डॉक्टर के पास क्योंकि डॉक्टर का भी सिस्टम था वहां पे उस समय में इट्स नॉट दैट दे डिडंट हैव मेडिकल साइंस

14 दिन का क्वारंटाइन कोरोना कोरोना एक्जेक्टली 14 डेज ऑफ क्वारंटाइन तो 14 डेज ऑफ क्वारंटाइन मेडिकल साइंस से नहीं आया है परमेश्वर के तोरा से आया है फर्स्ट 7 डेज और सातवें दिन Amen. के बाद याजक देखेगा उसको चेक करेगा और बोलेगा वन 7 मोर डेज टोटल 14 डेज और 14 डेज के बाद वो डिक्लेअर करेगा कि तुम साफ हो गए हो या साफ नहीं हुए हो, हो. वाह

जब कोई भी व्यक्ति को जरात या स्किन डिजीज या लेप्रसी का फॉर्म होता था याजक के पास क्यों जाते थे क्योंकि एक स्पिरिचुअल डिजीज था वो और वो डिजीज कहां से फॉर्म होता है उसका रूट कॉज क्या है उसका जड़ क्या था उसका जड़ था कि मैंने किसी के खिलाफ बात किया मैंने किसी के बारे में बैकबाइट किया व्हाट इज बैकबाइट पीठ के पीछे मैंने उसको छुरी मारा Right? चुगली लगाना चुगली लगाना, वेरी गुड गॉसिप किया मैंने किसी का नाम खराब किया मैंने तो उसका एक्शन का जो आउटवर्ड अपियरेंस है परमेश्वर लोगों को जरात या स्किन डिजीज देते थे और इसलिए हमेशा एक अगर स्किन डिजीज आया तो उन लोग याजक के पास जाते थे क्योंकि इट वाज एन आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ व्हाट वाज गोइंग ऑन इनसाइड द हार्ट यू और हम लोग देखते हैं उसका एग्जाम्पल उसका देखिए बाइबल का एक क्लियर एक एग्जाम्पल है नंबर्स गिनती की किताब में बारह अध्याय में जहां पे हम लोग देखते मिरियम ने परमेश्वर के सेवक मोशे के विरुद्ध उन्होंने बात किया और उन्होंने कहा कि क्या परमेश्वर सिर्फ उससे बात करते क्या देखिए उसका दिल का एटीट्यूड गलत था मिरियम का देर वॉज समाइंड ऑफ जेलसी अगेंस्ट हर ब्रदर एंड वॉट इज ही थिंक वो इतना गुस्सा वाला जो आदमी है कोई भी कंट्रोल नहीं है उसका ओवर गॉड ओनली स्पीक और परमेश्वर ने कहा दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल मेरियम और परमेश्वर ने उसको जरात दिया लेप्रसी इमीडिएटली हुआ उसको क्यों क्योंकि उसका एटीट्यूड गलत था और उन्होंने परमेश्वर के सेवक के विरुद्ध उन्होंने बात किया बाइबल टेल्स इन द बुक ऑफ रेवलेशन के सिर्फ शैतान परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध बात करता है He is called the accuser of the brethren. तो उसका जो आउटपुट मैनिफेस्टेशन था वो था जरात देखिए आज के दिन में हम लोग बहुत ये सब देखते हैं लोगों को अगर किसी परमेश्वर के सेवक के बारे में बात करना है तो फर्स्ट थिंग उन लोग क्या करेंगे फेसबुक पे जाएंगे एक बड़ा सा ब्लॉग लिखेंगे फेसबुक पे पे ट्विटर पे जाएंगे तो ये वही बात हुई ना जो पॉलिस ने कहा मत करो पॉलिस ने क्या कहा अगर तुम्हें तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है किसी के साथ उनके साथ बैठ के बात करो सिंपल टॉक टू दैट पर्सन अगर उसने नहीं माना तो कलीसिया के लोगों को लेके आओ फिर भी अगर वो नहीं मान रहा है तो फेंक दो उसको बाहर एक्स कम्युनिकेट हिम फ्रॉम द चर्च हम लोग क्या करते हैं किसी के पास साथ प्रॉब्लम है फर्स्ट थिंग फेसबुक पे जाएंगे फेसबुक पे, पे लिखेंगे उसके बारे में ताकि क्या हो रहा है अन्य जाति के लोग पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर के घर के अंदर क्या हो रहा है क्या गड़बड़ हो रहा है अन्य जाति के लोग पढ़ रहे हैं कि ये परमेश्वर के सेवक ने अडल्ट्री किया ये परमेश्वर के सेवक ने पैसा खाया ये परमेश्वर ने इसके सेवक ने गलत चीज किया वगैरह वगैरह क्या हो रहा है ये फेसबुक पे करके हु हु इज इज ग्लोरिफाइड हैप्पी जो लोग हमारे खिलाफ एविडेंस गैदर कर रहे हैं उनको हम लोग और भी एम्यूनेशन दे रहे हैं वी आर क्वालिफाइंग फॉर जरा एंड एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दैट कम्स आउट इन दिस दैट वॉट इज हैपनिंग इन आर बॉडीज इज अ रिजल्ट ऑफ वॉट्सिंग इन आर स्पिरिट बाइबल में एक डायरेक्ट कोरिलेशन है हम लोग का जो शरीर और हमारे अंदर में जो हो रहा है ऑलवेज ऑलवेज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इनसाइड इज शोन इन द आउटसाइड बहुत साल पहले दिस मे बी मोर देन 25 28 इयर्स बैक uh, मेरे लिप में ना एक बड़ा ब्लिस्टर आया बिग ब्लिस्टर सनी ने मुझे बोला क्यों आया ये लिप पे? I don't know. Said, जरूर तुमने अपना लिप्स को गलत तरीके से यूज किया यू हैव यूज रॉन्ग वर्ड्स यू और इसलिए इसका रिजल्ट इसमें दिख रहा है बिग ह्यूज

Are a reflection of what is actually inside our hearts. और इसलिए ईश्वर ने कहा राइट right? कि जो दिल में है वही निकलता है गलत चीजें निकलते हैं क्योंकि दिल के अंदर आउट ऑफ द ऑफ हार्ट मैन स्पीक्स और दरात का जो स्किन डिजीज या लेप्रेसी का जो प्रिंसिपल है वही है और इसलिए याजक को करना पड़ता था यह काम कि उसका लोगों का एटीट्यूड ठीक करना

अब तुम लोग ही दरवाजे को बंद कर सकते हो अपना एटीट्यूड को ठीक करके लर्न फ्रॉम जरात स्किन डिजीज लेप्रोसी से कि परमेश्वर हमें चंगाई देने चाहते हैं जो हम लोग मत्ता है आर्ट में देखते हैं कि जरात का जो आदमी जब यीशु मसीह के पास गए उन्होंने कहा कि परमेश्वर अगर आप चाहते हो तो आप हमें चंगाई दीजिए और यीशु मसीह ने क्या कहा बेटा मैं चाहता हूं चंगाई पाओ ओनली वेज टू रिटर्न टू गॉड जैसे पास तो शनी चंद्रा बार बार बोलते हैं वैक्सीन बहुत ही अच्छा है नो no डाउट लेकिन जो सही वैक्सीन है वो हमारे दिल के अंदर है कोई दुनिया का वैक्सीन सोल्यूशन नहीं है दिल के अंदर का वैक्सीन पर दैट डज नॉट मीन यू डोंट टेक मेडिकेशन हम लोग वो नहीं बोल रहे हैं. लेकिन जो जड़ है रिपेयर का जो जड़ है हीलिंग का जो जड़ है वो हमारे अंदर है और कहीं नहीं है

मतलब तुम्हारे आत्मा में जैसे प्रॉस्पेरिटी है उसी तरीके में से मैं चाहता हूं तुम्हारे शरीर में भी प्रोस्पेरिटी रहे मतलब तुम्हारा हेल्थ अच्छा रहे सब कुछ अच्छा रहे मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि आत्मा या सोल में जो हो रहा है और शरीर में जो हो रहा है उसका एक डायरेक्ट कनेक्शन या कोरिलेशन है एक अंग्रेजी हिम है एंग्लिकन हिम है इट इज वेल इट इज वेल विथ माई सोल If it is really well with our souls, it will be well with our bodies also. Yeah, mean that we can't it. No doubt we can. But we are saying these are the principles of God's word. But it is well with my soul, and it will be well with me all around me. क्योंकि जो आत्मा में हो रहा है वो शरीर में मैनिफेस्ट होता है वो हम लोग देखते ज़रात से वो हम लोग देखते न्यू टेस्टमेंट के भी टीचिंग्स में इट्स द सेम प्रिंसिपल्स आई विल एंड विद दिस सेकंड किंग्स में हम लोग देखते हैं कि एक आदमी था जिसका नाम था नामान ही वाज द कमांडर ऑफ द सीरियन आर्मी और बाइबल में कहता है लेकिन वो एक कोढ़ी था ही हैड द प्रॉब्लम ऑफ ज़राथ या लेप्रोसी जो भी आप कहेंगे स्किन डिजीज था उसके घर में एक नौकरानी थी छोटी सी बच्ची थी वो बाइबल डस नॉट इवन गिव हर नेम पास्टर सनी चंद्रा का एक फुल टीचिंग है इस पे बट मैं उसका एक 5 मिनट का एक आपको समरी दे रहा हूं उसके घर में एक सेव एक छोटी सी लड़की थी द बाइबल सेज शी वाज अ हिब्रू गर्ल मतलब वो तोरा पालने वाली लड़की थी यहोवा की आराधना करने वाली लड़की थी और उनने कहा मालिक मालिक नमन मैं चाहती हूं कि आप एक बार मेरे देश में जाओ वहां पे परमेश्वर के सेवक है अलीशा वो आपको बताएंगे कि आपको चंगाई कैसे पाना है कहता चलो मैंने सब कुछ ट्राई किया मैंने उधर उधर से उदर गया एवरीवेयर आई गॉन कुछ नहीं हुआ चलो ये भी ट्राई कर लेता हूं और वो जाता है अलीशा के पास और अलीशा उसको क्या कहता है कि तुम यार दिन नदी में जाओ और वहां पे तुम सात बार तुम डुबकी मारो सेवन टाइम्स क्योंकि वी सी इन द बुक ऑफ लेविटिकस कि जब याजक कोड़ी के ऊपर प्रार्थना करता था उसको सात बार छिटकता था इसलिए अलीशा ने भी कहा तुम सात बार तुम डुबकी लो यार दिन नदी में Seven times. और नामन कहता है क्या बात कर रहे हो यार इतना गंदा नदी सीरिया में तो बहुत ही अच्छी नदियां आए वहां पे मैं जाऊंगा लेकिन फाइनली उसने विश्वास किया बोले चलो तुम कह रहे हो तो मैं कर लूंगा और बाइबल कहता है कि सातवें बार जब उसने किया उसने चंगाई पाई और उसने क्या कहा उसके बाद हम लोग सेकेंड किंग्स पांच और पंद्रह में देखते हैं के नामन कहता है अब मैं जानता हूं कि दुनिया भर में एक ही परमेश्वर है और वो है इसराइल का परमेश्वर यहुवा। तो क्या हुआ नामन के साथ इवेंचुअली नामन का स्पिरिचुअल कंडीशन चेंज हुआ और जब उसका स्पिरिचुअल कंडीशन चेंज हुआ उसके शरीर में उसको चंगाई भी मिला सब हो रहा है

नमन के अंदर क्यों हुआ चेंज लुक ही वाज अ नॉन बिलीवर लेकिन एक छोटी सी लड़की थी हिब्रू ज्यूइश गर्ल वचन पालने वाली लड़की यहोवा की आराधना करने वाली लड़की उन्होंने क्या कहा मालिक तुम जाओ एक बार इजराइल में यू सी ऑल वी नीड टू डू इज टू बी लाइक दैट गर्ल हमें उस लड़की के बारे में के जैसा रहना है लोगों को परमेश्वर के पास भेजिए नॉट आवर थीज नॉट आवर लॉजिक बट सिंपल परमेश्वर का वचन अगर हम लोग सिंपल वचन की पालन करेंगे without interpretation और अपना दिमाग लगा के सही में दुनिया बदल जाएगी एंड वी विल रियली बी लिविंग लाइक चिल्ड्रन ऑफ गॉड सिर्फ नामधारी नहीं लेकिन सही में अपने काम के साथ अमेन लास्ट ट्यूजडे जब पशु विनोद ने वचन दिया तो उनका वचन क्या था परमेश्वर और एक चांस विनोद आप पश्चुविन वन मोर चांस ये था मैसेज राइट वन मोर चांस परमेश्वर गिव अस वन मोर चांस जैसे सैमसन ने कहा सैमसन ने गड़बड़ किया जिंदगी भर लेकिन अंत में उसने कहा परमेश्वर गिव मी वन मोर चांस मैं तुम्हारा नजराइट हूं और परमेश्वर ने दोबारा अपनी महिमा दिखाया और उन्हें शैतान के काम को वहां पे उसने खत्म किया अपने मौत भी हुआ उस समय सैडली वी लॉस सैमसन लेकिन उसमें जो प्रेयर है वन मोर चांस लेकिन हम लोग सब ने जो मीटिंग में थे हम लोग ने मिस किया एक चीज कि मैसेज के पहले पास्टर सनी चंद्रा ने एक पैसेज रीड आउट किया और वो था होजिया से आई वॉन्ट टू पॉइंट अस बैक टू दैट पैसेज एंड एंड विद दिस होजिया चैप्टर फाइव पहला वचन में परमेश्वर बात कर रहे हैं तीन कैटेगरी लोगों से नंबर वन वो कहते हैं द प्रीस याचक नंबर टू ही सेज आई एम टॉकिंग टू इज़राइल एंड आई एम टॉकिंग टू एवरीबॉडी मैं सबसे बात कर रहा हूं और फिर होजिया के लास्ट वर्स में परमेश्वर कहते हैं तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो मैं अपने आप को छिपा रहा हूं आई टर्निंग माई फेस मैं अपने चेहरे को घुमा रहा हूं और एक ही राय था एक ही रास्ता था जो हम लोग छठे अध्याय के पहले वचन में दिखाए परमेश्वर तुमने कोशा तुम अभी चंगाई दोगे आओ हम लोग परमेश्वर के पास वापस जाए

मैसेज लेके आ रहे थे और मैसेज वही था कि एक ही सोल्यूशन है परमेश्वर के पास वापस जाना जो हमें चंगाई दे सकते हैं वन मोर चांस क्यों फूड लॉज क्यों ये सब क्योंकि एक चीज है परमेश्वर के वचन को उबे करना दैट्स ऑल टू उबे वर्ड ऑफ गॉड दैट्स व्हाट वन मोर चांस लॉर्ड That's all we want. आपका ग्लोरी दुनिया को दिखाने के लिए और आपके वचन के अनुसार जीने के लिए जिसमें हम लोग सही में सोच रहे हैं कि परमेश्वर कैसे वन मोर चांस वी वॉन्ट कम बैक टू यू लॉर्ड एज अटी एज अ नेशन एज अ पीपल ही